पैशन प्रो, इसमें हम दिखाएंगे आपको क्या वर्ल्ड है। ये गाड़ी चलते चलते बंद हो गई, तो बंद होने के बाद हम इसको खोला तो हमें पता चला इसका ये जो मैग्नेट का नट है ये खुला हुआ था। यहाँ पर एक लगी होती है कार्टर पिन, क्योंकि ये दो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। आपको दिखाएं, ये देखिए, ये घिस जाने की वजह से, ढीली होने की वजह से दो टुकड़ों में बढ़ चुकी। इस पर एक मैगनेट लगा हुआ होता है, उसकी हालत ये है। ये इसकी एक पिन फंसती है, कार्टर पिन, वहाँ पर इसका ये मुंह फैल चुका है। इधर से देखें, देखिए, ठीक है। तो ये और दूसरा ये यहाँ से भी ख़राब हो चुका है, इसमें नट लग कर ये भी घुस चुका है। ये बंद हो गई थी गाड़ी, तो इसमें हम मैग्नेट नया डालेंगे। इसके पीछे लगा होता है, इसके पीछे लगा होता है ये बंद है, इसको भी हम दूसरा लगाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कि मैग्नेट कितने का मिला और बनवे कितने का मिला है और कौन सी कंपनी का है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं रुस्तम अली और आप गाइस आइए आपको दिखाते हैं पहले मैग्नेट। गाइस आप ये देख रहे हैं हीरो का जनरल पार्ट, तो इसमें दिखाएं आपको हम, इसका मैग्नेट है ये, ठीक है। 880 रुपये MRP है इसकी, इसको बोलते हैं निकालते हैं आपको। ये विदाउट वन वे आता है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर उस मैग्नेट का पुराने वाला इसमें गाड़ी में लगा हुआ था बाइक में, वो ये घिस चुका है। इसमें कार्टर पिन नहीं आ रही थी, इसकी हम नई न्यू कार्टर पिन लेके आए हैं, क्योंकि अब इसमें ये ठीक आएगी, बैठा लेंगे उसमें, ठीक है। और दूसरी हम बात करें इसका वन वे लगाने की, तो उसको भी हम जिनों नहीं लेके आए हैं। ये रहा इसका वन वे जो सेल्फ को घुमाता है, कैम्प स्टार्टर क्लच, ठीक है। 540 रुपये MRP है इसका, ये भी हीरो का ओरिजिनल है, जेन्युइन पार्ट है। ये होता है इसका वन वे। तो इसको फिट करेंगे तभी आपको दिखाते हैं। तो गाइस इसको लगाने के लिए हम इसके अंदर से ये जो तीन एल की बोल्ट लगे हैं इनको खोल दें, फिर यही बोल्ट हम लगाएंगे उसमें वन वे, उसको कसने के लिए। तो गाइस इसे खोलते हैं, खुल चुका है। ये उसका पुराना वन वे था, इसको हम इसलिए बदल रहे हैं, ये गोलियाँ जो हैं फंसती थी, आवाज़ आती थी, इसलिए इसको बदल रहे हैं। खुल गया है और ये नया वाला फिट करते हैं। बस कस गया, ये हो गया तैयार, इसको उसमें फिट करते हैं गाड़ी में। तो बस इसकी ये पहले कार्टर में डालते हैं यहाँ पे न्यू वाली। तो बस
बैटरी का टर्बिन, इसका ये मैग्नेट यहीं पर इसका ये खांचा बैठेगा, तो इसको हटा देते हैं। भी बैठ गया, इसमें ये एक बार से लगता है, सो गाइस इसमें अब नया नट लगाएंगे क्योंकि वो पुराना नट इसका ख़राब हो चुका है। इसको फुल टाइट करने के लिए अच्छे से इसको स्टॉप करेंगे रोकने के लिए इसे, तो ये इसका कलर आता है, इसको लगाएंगे अच्छे से। इसको खूब अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि दोबारा ना खुले, अगर हल्का सा भी ढीला रह गया तो ये नट खुल जाएगा, तो ये पूरा कॉइल को ख़राब कर सकता है और मैग्नेट तो ख़राब हो ही जाएगा, कटर पिन कट जाती है। अच्छे से टाइट कर देंगे, ये हो चुका है टाइट अप। सो गाइस ये थी कुछ जानकारी हमने आपको दी, आप कभी भी अगर कैमचन डलाएँ या मैग्नेट में कुछ सील वगैरह कट जाती है तब भी खोला जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से टाइट करवाएं जिससे कि आपका ये ढीला ना हो और ये मैग्नेट के नुकसान से आप बच सकें। ये थी कुछ जानकारी जो आपको हमने दी, कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।